भाई एसी में बैठ के देख रहा था, उसके बाद से भी पसीने आ गए। अब वो पसीने क्यों आ गए पता है? डर के मारे दिल में एक आतंक सा बैठ गया है और ऐसा मन कर रहा है कि जूते खोल के मारूं मैं। पर ठीक है, ये मूवी कैसी है इस बारे में बात होगी। खेल खेल में क्या आपके साथ खेल हो गया, हो जाएगा, या आप खेल फेल के निकल जाओगे, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने देखा है खेल खेल में एंड हाउ इज़ इट। देखो, अक्षय कुमार का कमबैक करना सबको एक तरह से सपना लगता है कि अब अक्षय कुमार कमबैक नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले भी एक मूवी आई थी जिसमें मैंने बोला कि दिस इज़ द कमबैक, ये कमबैक है अक्षय कुमार का। लेकिन पता है आप सबको क्या हुआ था? सरफरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा अभी ये जो आई है खेल खेल में, इसको भी देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये अक्षय कुमार की कमबैक है। मेरी तरफ से तो है, क्योंकि हम जिस अक्षय कुमार को मिस कर रहे थे वो अक्षय कुमार वापस आ चुके हैं। एंड द मेन पॉइंट कि भाई मैं काफ़ी टाइम से फरदीन खान को देखना चाह रहा था। बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि नो एंट्री जो है उसका पार्ट टू बन रहा है, उसमें भी फरदीन खान रहने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइनली फरदीन खान दिखे हैं। और अभी इस मूवी का मेन प्रेमिसेस क्या है, क्या आपको ये फिल्म देने वाली है? देखो, आज के दुनिया में जो फ़ोन को लेकर के एक हवा चल रहा है ना भाई, कि फ़ोन बहुत ही अडिक्टिव सी चीज़ है। फ़ोन आप बीवी घर पर भूल जाओ तो वापस नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप फ़ोन घर पर भूल गए तो दौड़ के वापस जाओगे। और फ़ोन के बिना इंसान की ज़िंदगी नहीं है, यहाँ तक कि आज के डेट में लोग टॉयलेट भी फ़ोन के बिना नहीं करते। अब मुद्दा ये रहता है कि क्या आप अपने पार्टनर को अपना फ़ोन दिखा सकते हो? क्या वो आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है पड़ी हुई है वो इन्फॉर्मेशन आप अपने पार्टनर के साथ में शेयर कर सकते हो? यही चीज़ का एक डर बना गया है दिल में। अगर आप पार्टनर के साथ में आ रहे हो तो भले से ये मूवी एंड में जो मैसेज दे करके गई है वो मैसेज गया तेल लेने के लिए, क्योंकि अगर सामने वाला जो पार्टनर है वो फीमेल है तो भाई आपके एल लगने कन्फर्म है। क्योंकि लड़के तो बोलेंगे छोड़ो यार जाने दो, क्या कर रही है, मुझे क्या ज़रूरत है देखने की, लेकिन लड़कियां वो बोलेगी हाँ ये मुझे भी करके देखना चाहिए, और तब आपके लगने पक्के हैं। मुदस्सर अजीज़ ने इस फिल्म के ज़रिए जो सामने रखने की कोशिश की गई है वो आज के डेट में एकदम सही बात है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। और लड़कों की अगर बात की जाए, फ़ोटो को लाइक करना है, जो भी चीज़ें, वो रियलिटी है, वो कहीं पे भी छुप नहीं सकती। लेकिन इन सारी चीज़ों को रखते हुए साइड में किस तरह से आप रखोगे, अपने रिलेशन पे किस तरह से आप वो सारी चीज़ें लेकर आ सकते हो जो किसी ज़माने में हुआ करता था, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर में ये फोकस करते हैं। एंड डायरेक्शन इट्स लाइक हाँ आपको हुक करती है। जहाँ से वो फ़ोन का गेम शुरू होता है वहाँ से पूरे तरह से आपको ग्रैब कर जाएगी और आप बोलोगे अब आगे क्या होने वाला। अगर आपने नो एंट्री को मज़े से देखा है, अगर आपने इस तरह की मूवीज़ इससे पहले मज़े में देखा है कि देखो अब हस्बैंड वाइफ की लगने वाली है, क्या होने वाला, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ ये मूवी आपको पूरे तरह से इंटरटेनमेंट दे करके जाएगी। तापसी पन्नू वॉज सो गुड, पता नहीं कैसे बड़े स्क्रीन पर तापसी पन्नू से ज़रा सा भी उम्मीद नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर उम्मीद आप रख सकते हो। अक्षय कुमार बैक विद द बैंग, जिस तरह से वो अपने लोगों को पहले करते थे इंटरटेन, बिल्कुल उसी तरह से वो यहाँ पे भी कर रहे हैं और मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। रीज़न ये है कि भाई उनकी जो कॉमिक टाइमिंग होती है भाई, वो कॉमिक टाइमिंग एकदम सा फाड़, मज़ा ही आ जाता है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है एक हफ्ते में दो मूवी और दोनों मूवी लकीली अच्छी निकल गई। देखते हैं थर्ड का क्या होता है। सो जो प्रेमिसेस थी मैंने बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई है जिसको आपको जाके खुद से एक्सपीरियंस करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच क्या है और आपके कांड कितने हैं। कांड अगर नहीं है आ जाओ बिंदास। अगर आपको इस फिल्म को देखने के बाद हिम्मत है कि फ़ोन अपने पार्टनर के हाथ में दे दो तो आ जाना पार्टनर को लेकर के, और अगर कांड ज़्यादा है तो दोनों आना, बस अलग अलग देखना। सो दैट्स इट, दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। डायरेक्शन अच्छी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक लगी, परफॉर्मेंस के वजह से ये मूवी अच्छी लगती है, और तो और कहानी इतना इंगेजिंग रहता है। इससे पहले कई बार 14 बार बन चुका है अलग अलग लैंग्वेजेस में इंटरनेशनली, और ये टाइम भी हिट होना चाहिए एंड ये मूवी होनी चाहिए जिससे अक्षय कुमार कमबैक कर रहा हो, ये मेरी उम्मीद है। आप बताओ, आपने अगर ये मूवी देखी तो आपको कैसा लगा है? डैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन। मूवी को अगर वर्डिक्ट देने की बात हो तो 3.5 star out of 5, डैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन, ऑनेस्ट वर्डिक्ट फॉर दिस। अब आप बताना, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।